तो इसमें से मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि जैसे अलजबरा या अरिथमेटिक में जो सिंबल नॉर्मली आप यूज करते हो, अब देखो इसमें मैं बच्चों वाले सिंबल यूज नहीं कर रहा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के सिंबल आपको ऑलरेडी पता है, ये वो सिंबल्स हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट को कम ही आते होंगे, वो वाले मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं एक और बार बता दूँ, जैसे ये सिंबल इक्वल का होता है और ये होता है नॉट इक्वल टू, तो जिसके ऊपर इस तरीके से लाइन आ जाए ना तो समझ जाओ उसका नॉट है, जैसे ये इक्वल है इसके ऊपर अगर आप लाइन लगा दो तो ये नॉट इक्वल बन जाएगा, इसी तरह ये बिलोंग्स टू है इसके ऊपर लाइन लगा दो तो नॉट बिलोंग्स टू, ये सबसेट है इसके ऊपर लाइन लगा दो तो नॉट सबसेट, ठीक। अब कुछ सिंबल हैं आपको पता है इस टाइप के, अगर आपको दो वेव्स नजर आए, एक होती है इस टाइप की वेव्स, ठीक है, अगर दो वेव इस टाइप की लिखी हुई हों बनी हुई हो तो ये शो कर रहा होता है अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी स्पेलिंग मैंने टोटली गलत लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा एक चीज, लेस देन ग्रेटर देन के साइन में स्टूडेंट को बड़ी कंफ्यूजन होती है, उनको उनको बचपन से बताया जाता है कि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ना वो ग्रेटर होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने ये समझनी है कि ये जो साइन है ना, अच्छा स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये साइन अगर मेरे पास इस तरह लिखा हुआ हो कि 6 ग्रेटर देन 4, तो इस साइन को आप ग्रेटर देन का साइन बोलोगे। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज से कि वो समझते हैं कि आप इस तरह भी तो बोल सकते हो ना कि 4 is less than 6, ये बात भी ठीक है, 6 is greater than 4, या बोलो 4 is less than 6, तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट फॉर द टाइम बीइंग उनकी बात ठीक लगती है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप लेफ्ट से पढ़ रहे होते हो, मैथमेटिक्स में आप कितनी चीजें देखोगे आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे होते हो, इवन आप कोई ग्राफ रीड कर रहे हो उसको भी आप लेफ्ट से राइट पे रीड कर रहे होते हो, तो अगर आप लेफ्ट से राइट पे देखो तो यहां जो चीज होती है वो ग्रेटर को शो करेगी, अगर आप इस सिंबल को कंसीडर करो तो लेफ्ट पे जो चीज है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, दैट्स वाई इस सिंबल को आप बोलते हो ग्रेटर, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए ये, ठीक है, अब फॉर द टाइम बीइंग ये बात बिल्कुल ठीक है कि 6 is greater than 4, लेकिन यहां पे आप ये बोलोगे कि 4 is less than 6, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट पे पढ़ते हो, तो लेफ्ट से अगर आप राइट पे पढ़ो तो ये वाला सिंबल क्या होता है, लेस देन का होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट को, क्लियर कर दी मैंने। इसी तरह एक छोटी सी नीचे लकीर आ जाए तो ये ग्रेटर देन का बनेगा और साथ बोलेंगे और इक्वल टू, जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 4 is less than or equal to 6। देखो इन इक्वालिटी होती है ना, जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में वो ठीक होगी, इसकी दो कंडीशन होती हैं कि या तो 4 less होगा या 4 equal होगा, अब कोई भी एक बात ठीक हो तो बात ठीक हो जाती है, कि मतलब 4 is less than, या तो 4 less होगा और 4 equal होगा 6 के, ठीक है। तो अब इसमें से देखो लेस वाली बात ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बात ठीक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ना तो 4 less हो ना 4 equal हो, तो फिर ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी, एक बात बस इक्वल होनी चाहिए, दैट्स वाई ऑल लिखा हुआ है कि या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, लेस देन के लिए भी ये है और ग्रेटर देन के लिए भी, आसानी से आप समझ जाओगे। ये वाला सिंबल है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, बाय द वे ग्रीक लेटर है, एक और सिग्मा भी आपने देखा होगा ये वाला, जैसे इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स होते हैं इसी तरह ग्रीक अल्फाबेट में भी यही होते हैं, ये स्मॉल लेटर सिग्मा है और एक कैपिटल लेटर सिग्मा है, और इसको हम समीशन के लिए यूज करते हैं, ये आगे आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लोगे। ये जो तीन हॉरिजॉन्टल बार होती है ना, इक्वल के अंदर 2 बार होती हैं और आइडेंटिकल के सिंबल में 3 बार होती हैं, ठीक है। अब आइडेंटिकल का मतलब मैं बता दूं, जैसे मशहूर आपने पढ़ी है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको आप इक्वेशन नहीं बोलते, इसको आप आइडेंटिटी बोलते हो, उसकी रीजन ये है कि इक्वेशन किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे ठीक होती है, जैसे आपके पास इक्वेशन गिवन है x² = 1, तो ये इक्वेशन सिर्फ 2 वैल्यूज पे करेक्ट होगी, 1 और 1 -1, मतलब अगर आप यहां 1 पुट करो x की जगह और अगर आप x की जगह -1 पुट करो तब आपकी स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, तो इसको आप इक्वेशन बोलोगे क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यूज पे ठीक है। ये जो आइडेंटिटी होती है ये हर वैल्यू पे ठीक होती है, आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो ये पूरी साइड क्या होगी, हमेशा 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो जो हर वैल्यू पे ठीक होती है उस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल रहे होते हैं, तो आइडेंटिटी के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो,
ठीक है, आमतौर पर हम यूज नहीं करते लेकिन आप यूज कर सकते हो। तो ये मतलब होता है तीन हॉरिजॉन्टल बार का। अगर आपके पास एक लेस देन का साइन है और उसके अंदर एक और लेस देन का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब बताना चाह रहे हैं मच लेस देन, मतलब बहुत ही छोटा है। ये हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं और मैथमेटिकल जो डेरिवेशंस है उसमें भी बड़ा यूज होता है कि अगर एक क्वांटिटी बहुत छोटी हो तो उसकी पावर बहुत छोटी हो जाती है। मतलब हम कंपैरिजन करते हुए बताते हैं कि ये क्वांटिटी उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। फिजिक्स में ज़्यादा होती है क्योंकि फिजिक्स में हम डेरिवेशंस पढ़ रहे होते हैं। अच्छा इसी तरह ये मच ग्रेटर देन हो जाएगा। इन दोनों को मैंने नाम नहीं लिखे। ये फंक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। ये फ्लोर फंक्शन का सिंबल है। फ्लोर फंक्शन ये होता है कि अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो कि एक इंटीजर लिखा हुआ है, थ्री इंटीजर नहीं है, नंबर है 3.2 डेसिमल है, और इस तरह लिखा हो तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। मतलब ये फ्लोर फंक्शन ये करता है कि कोई भी अगर आपके पास डेसिमल लिखा हुआ है उसको जो नीचे वाला इंटीजर है ना, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके नीचे वाला इंटीजर जो है वो आंसर देता है। जैसे 3.2 हो, 3.4 हो, 3.6 हो, ये हमेशा आंसर देगा 3। और यहीं पे अगर मैं लगा दूं ये वाला फंक्शन तो ये क्या करेगा, ये इससे नेक्स्ट, देखो 3.2 दरमियान में है दो इंटीजर के, 3 और 4, 3 और 4 के दरमियान 3.2 लाए करेगा। तो ये जो फ्लोर फंक्शन होता है ना, ये जो नीचे वाली लिमिट होती है 3 वो आपको देता है, और ये जो सीलिंग फंक्शन है ये आपको अपर लिमिट देगा। अपर लिमिट क्या है? 4 है। तो ये इनका काम होता है, ये मैं लेक्चर में भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। उनके नाम भी ऐसे पढ़े हुए कि जो सीलिंग फंक्शन होता है ये अपर वाला इंटीजर देता है ना, मैंने बताया 3.2 दो इंटीजर के दरमियान है, 3 और 4, तो ये वाला अपर देगा। तो सीलिंग भी हम अपने छत को बोल रहे होते हैं, और जो फ्लोर फंक्शन है ये नीचे वाला देता है, तो नीचे वाले एरिया को हम फ्लोर बोल रहे होते हैं, इससे नाम पड़ा हुआ है। उसके बाद कुछ सिंबल है आपके सेट या लॉजिक में आप यूज करोगे। अब सिंध बोर्ड के बच्चों को लॉजिक नहीं पता, उन्होंने बस रियल में लॉजिक का वर्ड सुना हुआ है, ये नहीं पता कि इसमें पढ़ते क्या है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 ही है हमारा। ये वाला सिंबल फॉर ऑल, इसी तरह दो डॉट, इसको मेरे ख्याल में कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ कॉलन है शायद ये, या अगर आपके पास वर्टिकल बार लगी हुई है तो ये सच डैट को शो कर रहा होता है। अभी आप सेट में इसको पढ़ोगे किस तरीके से हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी शायद मतलब ना समझ आए आप लोगों को। ये बिलोंग्स टू का सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट। अच्छा, ए प्राइम हो या ए छोटा सा सी लिखा हो, कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। फाई जो है ग्रीक लेटर, ये नल सेट या एम्प्टी सेट को शो कर रहा होता है। ये जो उल्टी तरफ ई बनाया हुआ है, कैपिटल ई, ये शो करता है देयर एग्जिस्ट को। इसी तरह ए माइनस बी या ए बैक स्लैश, एक होती है फॉरवर्ड स्लैश। अभी तक आप लोगों ने जब भी हम डिवीजन के लिए यूज करते हैं हम ये वाली स्लैश यूज करते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश होती है। मैंने कितनी ईकेट की बुक्स में देखा है वो इस वाले सिंबल को भी डिफरेंस बोल रहे होते हैं, हालांकि डिफरेंस के लिए हम बैकवर्ड स्लैश यूज कर रहे होते हैं, लेकिन चीज चल रही है। तो आमतौर पर बुक्स में अगर आपको फॉरवर्ड स्लैश भी नजर आए ना सेट के अंदर, अगर ए और बी दो सेट है ना, क्योंकि सेट डिवाइड नहीं हो सकते, कोई भी दो सेट डिवाइड नहीं होते, तो अगर ए डिवाइडेड बाई बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिंबल गलत है क्योंकि डिवीजन का होता है और बैकवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं डिफरेंस के लिए। खैर, मेरा काम है बताना आप लोगों को, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये भी डिफरेंस के लिए सिंबल यूज होता है और ये भी डिफरेंस के लिए यूज होता है, दोनों का मतलब एक होगा। अगर ए ट्राइंगल बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक डिफरेंस को शो कर रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस भी हम सेट में पढ़ेंगे क्या होता है। पी ऑफ ए पावर सेट को शो कर रहा है। अच्छा देखो, कुछ सिंबल्स के इस टॉपिक के अंदर अलग मतलब है, अलग टॉपिक के अंदर अलग मतलब है। जैसे सेट के अंदर पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए, लेकिन प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो ये आपने जहन में रखना है, डिफरेंट सिंबल हो सकते हैं। तो सेट के अंदर इसका मतलब है, प्रोबेबिलिटी के अंदर मतलब चेंज हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल यू या एक्स, यूनिवर्सल सेट, यूनियन इंटरसेक्शन, ये तो आता है। अच्छा, ये मॉड ए लिखा हो, अभी देखो मैं सेट की बात कर रहा हूँ, अगर मॉड ए मैट्रिसेस में लिखा हो तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करेगा। कि मॉड ए लिखा हो या एन ऑफ ए लिखा हो या ओ ऑफ ए लिखा हो, इसका मतलब है वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो सेट ए है ना इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। उसके बाद ये वाला जो है इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, और अगर इस दोनों तरफ निशान मतलब डायरेक्शन बनी हो इसकी तो ये होता है आई डबल एफ। आई डबल एफ होता है इफ एंड ऑनली इफ,
ये लॉजिक में भी आप पढ़ोगे, मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे आप स्टेटमेंट देते हो ना कि इफ और देन वाली, कि लेट से अगर मतलब आप वो भी बड़ी मशहूर मीम बनता था कि अगर बारिश होगी तो पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, तो उसी स्टेटमेंट को ले लो, इफ बारिश होगी देन पानी आएगा, तो इंप्लाइज एट में क्या करते हैं, इफ पी देन क्यू, ठीक है। तो इंप्लाइज एट का सिंबल आप इसलिए यूज कर रहे होते हो, इसके लिए, इफ पी देन क्यू के लिए आप यूज कर रहे होते हो, कि आप पहले पी स्टेटमेंट देते हो, उसके बाद ये सिंबल बनाते हो और फिर आप क्यू स्टेटमेंट दे देते हो। ये आपको लॉजिक में अच्छी बात पता चलेगी। और आई डबल एफ जो है ये बैकवर्ड में भी काम करता है, कि अगर इफ पी देन क्यू और इफ क्यू देन पी, मतलब अगर आप बैकवर्ड में भी ले जाओ इसको और दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो उसके लिए हम फिर ये वाला सिंबल यूज कर रहे होते हैं। ये आपको मजीद चैप्टर में पता चल जाएगा। अच्छा, ये 32 पे जो लिखा हुआ है, 30 पे लिखा हुआ है, ये आपस में तकरीबन हम इसको तकरीबन सेम ही सेंस में यूज कर रहे होते हैं, हल्का फुल्का डिफरेंस है लेकिन सेम सेंस में यूज कर रहे होते हैं। लॉजिक में आप पढ़ोगे इम्प्लीकेशन से शो कर रहे हैं, और इम्प्लीकेशन भी यही होती है, इफ पी देन क्यू। और ये वाला एरो, मतलब 33 पे जो लिखा हुआ है और 31 पे लिखा हुआ है, ये भी तकरीबन सेम ही है। बाय कंडीशनल बोलते हैं इसमें भी, ये होता है कि पी देन क्यू, इफ क्यू देन पी, मतलब दोनों ठीक होने चाहिए। तो ये तकरीबन दोनों सेम ही मानों में यूज होता है, तो इसमें इतना डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वाली वेव जो लिखी हुई है एक, अगर ये लिखा हो वेव पी, या आपके पास इस टाइप का सिंबल पी लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, और इसका मतलब होता है निगेशन ऑफ पी। क्या होती है ये बाद में आप लोग डिटेल से पढ़ लोगे। इसी तरह सेंस के लिए, ये देयर फोर, इस टाइप का सिंबल हो तो ये और इस टाइप का हो तो एंड, ये सब लॉजिक के। और ये सेट का था कि ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये शायद आई होप आप लोगों को पता होगा। ये ज्योमेट्री में आ जाओ, ये एंगल को शो कर रहा है, ये पैरेलल लाइंस के लिए हम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, जब ज्योमेट्रिक फिगर्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसके लिए हम इक्वल का वर्ड यूज नहीं करते, कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इक्वल का साइन और ऊपर आप एक वेव बना देते हो। इसी तरह ये साइन जो है ये सिमिलर का है। अब देखो, यहाँ पे ये वाला साइन नेगेशन को शो कर रहा था और यहाँ पे साइन सिमिलर को शो कर रहा है। सिमिलर ये होता है कि जैसे आप शॉप पे जाते हो ना, आप जूते परचेस करते हो, तो अगर दो जूते हैं जो शेप उनकी सेम है, लेकिन लेट कर लो एक का साइज 10 है, एक का साइज 12 है, मैं रैंडम तुक्का मार रहा हूँ, 10 12, मुझे नहीं पता क्या साइज होगा इनका, लेकिन लेट कर लो शेप दोनों की सेम है, उसी शेप में एक 10 का है और एक 12 का है, तो उनको आप सिमिलर बोलोगे, कि शेप सेम है लेकिन जो उनका साइज है वो डिफरेंट है। और अगर शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, मतलब इक्वल ही है ना आपस में, तो उसको हम कंग्रुएंट बोल रहे होते हैं। बाय द वे, ए बी जो है इस तरह ये लाइन सेगमेंट के लिए शो हो रहा होता है। अच्छा, ऊपर से एक क्या बोलेंगे इसको, आर्क टाइप की बनाई हुई है, तो ये चीज़ आर्क को शो कर रही होती है। मतलब ए बी लाइन सेगमेंट का मतलब होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है। इसी तरह आर्क में भी ये होगा कि अगर आप कोई आर्क कंसिडर करो, इस तरह लिखा होता है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट आर्क का ए है, एंडिंग पॉइंट आर्क का बी है। छोटा सा ओ लिखाओ, डिग्री। अच्छा, ये प्राइम बोलते हैं इसको। अगर प्राइम लिखा हो तो ज्योमेट्री में इसका मतलब मिनट होता है, और मिनट डिग्री का भी छोटी डिवीजन है। अगर डिग्री को 60 हिस्सों में तकसीम कर दो तो एक हिस्सा मिनट कहलाता है। इसी तरह मिनट को अगर 60 हिस्सों में तकसीम कर दो तो एक हिस्सा सेकंड कहलाता है, और सेकंड को हम बोलते हैं डबल प्राइम। उसके बाद कुछ मजीद सिंबल्स हैं, और वो मैंने टॉपिक वाइज पहले भी डिवाइड किए हुए थे, अभी भी डिवाइड किए हुए हैं कैलकुलस में। अच्छा, कुछ सिंबल हैं जो शायद मुझसे मिस हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं मैक्सिमम जितने भी सिंबल हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर कोई जहन में ना हुआ हो तो शायद वो मिस हो गया, वरना तकरीबन मैं सारे डिस्कस कर लिए हैं। कैलकुलस में आप ये तीन सिंबल यूज़ कर रहे होते हो इंक्रीमेंट ऑफ एक्स में। इंक्रीमेंट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि आप इजी लैंग्वेज में समझो चेंज इन एक्स, एक्स के अंदर, एक्स वैल्यू के अंदर क्या चेंज आया। तो इसको तीन नोटेशन से हम शो कर रहे होते हैं, डेल्टा एक्स, पार्शल एक्स और डी एक्स। अब डेल्टा एक्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो थोड़े सिग्निफिकेंट चेंज को हम बोल रहे होते हैं। डी एक्स जो है ये इंस्टेंटेनियस चेंज को शो कर रहा होता है, और ये जो पार्शल एक्स है ये आपके लेवल पे नहीं है, ये आप थोड़े हाई लेवल पे यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, ये उस वक्त यूज होता है जब फंक्शन आपका एक से ज़्यादा चीज़ पर डिपेंड कर रहा हो। ये आप लोगों को बाद में समझ आएगी, अभी हमारा टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि ये अलग, जैसे आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इसी तरह जिसमें डी होता है, ये होती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल
ये आ रहा होता है। तो ये अलग टॉपिक है, इसमें हमारे कोर्स का हिस्सा भी नहीं है। ये वाले नोटेशन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो ये बताती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये आप लोगों को काफी आइडिया होगा। डेरिवेटिव की ये पांच सिंबल पांच नोटेशन जो है वो मैंने लिखी हुई है। डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो वाई प्राइम, एफ ऑफ प्राइम एक्स भी आप कर सकते हो, कैपिटल डी एक्स वाई, ये भी इसकी है, इसको मेरे ख्याल में ऑयलर नोटेशन बोलते हैं, और ये न्यूटन वाली नोटेशन है जिसके ऊपर आप डॉट लगाते हो, अगर दो दफा डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दो डॉट आ जाते हैं। इसी तरह ये मेरे ख्याल में लैग्रांजियन है और ये लेबनीज है, ये हर साइंटिस्ट की अलग अलग नोटेशन है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह चैप्टर फोर में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा किस साइंटिस्ट की क्या नोटेशन है। अभी जैसे आप लोग देख लो, ये वाला इनडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा, अगर मैं लिमिट इन्वॉल्व कर दूं तो ये डेफिनिट इंटीग्रल बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत नजर आएंगी। जेड बार का मतलब कॉन्जुगेट की बात की जा रही है, जेड के आगे ये मॉड लगाया हो तो ये मॉडुलस को शो कर रहा होता है। अब अगेन मैट्रिसेस में ये डिटरमिनेंट को शो करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मॉडुलस को शो कर रहा है, सेट में ये ऑर्डर को शो कर रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो डिफरेंट जगह पे एक सिंबल डिफरेंट चीजें शो कर रहा होता है। और ए आर जी ऑफ जेड का मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, सिंपल लैंग्वेज में कि जेड एंगल क्या बना रहा है वो होता है सिंपल। मैट्रिसेस में देखो तो ए की पावर स्मॉल टी हो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, ए की पावर माइनस वन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए डी जे का मतलब होगा एडजॉइंट और इसका मतलब होगा डिटरमिनेंट। ये आप लोगों को काफी आइडिया है इसका। प्रोबेबिलिटी में आ जाओ तो इसमें कॉम्बिनेशन परमुटेशन ये वाला नोटेशन, अच्छा ये मशहूर है काफी, ये वाली सबको पता है फैक्टोरियल है। अच्छा इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ये भी फैक्टोरियल की नोटेशन है, दोनों होती हैं। पी ऑफ ए का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, कि इवेंट ए हैपन होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको आप इस तरीके से लिखते हो। और अगर मैं बोलूं कि इवेंट ए हैपन नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको आप क्या लिखते हो, ए प्राइम पे शो कर रहे होते हो। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं जो मैंने आपसे यूज जितने भी हो सकते थे मैंने डिस्कस कर लिए, जो मेरे जहन में आ रहे थे जो मैंने सोचे थे सब मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर कोई हुआ तो वो हम कोर्स में तो लाजमी डिस्कस कर लेंगे, तो वहां भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये कुछ चार फेमस नंबर्स हैं जो मैथ के अंदर काफी आप लोग देखोगे। फाई आपको कम नजर आएगा, फाई एज अ सिंबल यूज हो रहा होता है, एज अ नल सेट एम्प्टी सेट यूज हो रहा होता है, लेकिन फाई एज अ नंबर यूज नहीं होता। आपका कोई चैप्टर नहीं है ऐसा जिसमें फाई एज अ नंबर यूज हो रहा है, तो मैंने कहा यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चार फेमस नंबर है, सबसे पहले पाई, बचपन से आप लोग देखते हुए आ रहे हो पाई को, पढ़ते हुए आ रहे हो। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 के बराबर होती है, राउंड ऑफ की हुई है मैंने। और पाई को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम आसानी के लिए पाई लिखने से बेहतर है आप फ्रैक्शन बना देते हो 22/7। पाई जो है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है 22/7 के, इक्वल नहीं होता क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस अपनी आसानी के लिए हमने इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ये जो 22/7 है ना, ये इतना अप्रॉक्स नहीं है, अगर आप देखो ना एक्चुअल अप्रॉक्स जो है वो ही मिल जाएगा आपको, ये 355 डिवाइडेड बाय 113। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो इसकी वैल्यू पाई के बहुत ही बराबर आएगी, मतलब ये ऑलमोस्ट दोनों 4-5 डेसिमल तक इक्वल होंगे। 22/7 तो मेरे ख्याल में 2 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल होता है, उसके बाद इक्वल नहीं होता। तो ये इसकी अच्छी इसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन है, ये 355/113। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें न्यूमरेटर 5-6 डिजिट होता है, तो वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी थी कि बंदा याद कर सकता है इसको, बाकी तो खैर बहुत बड़ी अप्रॉक्सीमेशन है। सेकंड में लिखा हुआ है फाई, मैथ के अंदर फाई हम यूज़ करते हैं गोल्डन रेशो। अभी आप लोगों का काम है गोल्डन रेशो क्या होता है, ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। गोल्डन रेशो बेसिकली एक लाइन को अगर आप ऐसे दो हिस्सों में तकसीम करो कि बड़े, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है बी अपॉन सी डिवाइडेड बाई छोटा वाला हिस्सा जो है, अगर इसका रेशो 1.62 अप्रॉक्सीमेटली आ जाए तो वो हम बोलते हैं कि गोल्डन रेशो आ गया आपके पास। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, काफ़ी मिल जाएगा। और एक गोल्डन रेशो दुनिया में अगर आप किसी की खूबसूरती को मैथमेटिकल अंदाज में बताओ ना, मतलब आप बोलो कि ये बंदा खूबसूरत है, इसका चेहरा खूबसूरत है, तो उसका मैथमेटिकल वे जो है ये गोल्डन रेशो है। ये पूरा मेखल में ग्रीक या कोई एक है जिन्होंने पूरा सिस्टम रखा हुआ है कि आपके चेहरे का पता नहीं सर से लेके नाक तक, नाक से लेके थोड़ी तक, ऐसे पूरे उन्होंने मेजरमेंट रखी हुई है। तो जिसका इस वैल्यू के करीब करीब आता है उसको बोलते हैं कि इसका सबसे खूबसूरत चेहरा है।
शौक हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो। तीसरे नंबर पे ई है, ऑयलर्स नंबर बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है, एक इरेशनल नंबर है। ये सब इरेशनल नंबर है शून्य के तीन, ये तो खैर इमेजनरी हो गया। ई की वैल्यू होती है 2.72 अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा जी, उसके बाद चौथा नंबर है आयोटा, जो कि एक इमेजनरी नंबर है, और इसकी वैल्यू होती है रूट माइनस वन के इक्वल, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन के इक्वल। तो ये सारे नंबर्स हैं जो आप लोग बहुत पढ़ोगे आपको नज़र आएंगे, तो मैंने एड्रेस कर दिए हैं। बस यही नंबर होते हैं, बाकी तो आपको सब पता ही है, 1 2 3 सब आपको आइडिया है।